बाप को कैसे बोल सकते हैं, बाप के बगैर ये काम ही नहीं हो सकता था। बिलावल पुत्र, जिदों तेरे नाने भट्टो ने जनरल यहिया दे नाल रल के शेख मुजीबुर रहमान दे खिलाफ साजिशां करके उन्हूं मियां वाली जेल च गिरफ्तार कराया सी ना, ते उन्हें तेरे नाने भट्टो नूं जेल दे विचों एक पैगाम भेजिया सी कि भट्टो साहब इन्हां जरनैलां नूं मेरे तो वेला हो लैण दिओ, फिर इन्हां तुहानूं फड़ना। फिर पुत्र बिलावल एक दिन आया कि शेख मुजीबुर रहमान रिहा हो के वापस चला गया, उन्होंने भट्टो नूं गिरफ्तार कर लिया। ते फिर भट्टो दी मैयत ही आई है और खानदान दे किसे बंदे नूं उहदा मूंह नहीं वेखन दिता गया। ते ए ओही भट्टो ही जिहड़ा ताकत दे नशे दे विच चूर हो के लोकां नूं गैब करवांदा ही। ते पुत्र बिलावल, तेरे नाने ने वजीरे आजम बनने वास्ते मुलक नूं 2 लख कीता ही। ते काका, हरकतां तेरियां भी ओही लगदियां ने पईआं, लेकिन एक गल याद रखी, जितने इमरान खान साहब तो वेले हो गए ना, ते इन्ना आउणा तुहाडे वाली है। जिस डर दी वजह तो तेरी वालदा नस गई सी मुलक चों, तेरा प्यो भी दौड़ गया सी, शरीफ फैमिली भी बाहर रही ही, वेला बरतन दी गल ए। ऐ जिहड़े आइनी तरमीम दे रस्से तुसां बनाए ने ना, ए तुहाडे गलियां जी फिट होने ने। दोस्तों, प्याने का मकसद सिर्फ ये है कि खान साहब को यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल, मैं फिर दोबारा से बता रही हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है केबल कॉलेज में मौजूद हूँ, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी बात हुई है, मैं मज़ीद आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जा रही हूँ। नून लीग ने जो बयानियाँ बनाया कि खान साहब को डिसक्वालीफाई किया गया करप्शन चार्जेस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि खान साहब इस यूनिवर्सिटी के लिए सबसे मोहतरम बंदे हैं पाकिस्तान से, और हम देख रहे हैं हर एक चीज़ को, और उन पर इस यूनिवर्सिटी ने किसी का कोई चार्ज नहीं लगाया है, और जिसको ये क्लेम किया है जिन लोगों ने, उनको कहें कि वो साबित करें। तो नून लीग क्या बयानियाँ हमेशा बड़ा है, और बाढ़ने के लिए इमरान खान के वारिस यहाँ पे मौजूद हैं। वो इज्जतों वाला था, वो इज्जतों वाला है, वो इज्जतों वाला रहेगा। मकसद ये था कि दुनिया को बताएं कि इमरान खान जो है वो कितना मोहतरम है, अपनी कंपेन को, अपनी बात को आगे रखना कि इस तरह के शख्स के साथ जुल्म हो रहा है। और खान साहब के पास तो वैसे भी टाइम नहीं था, अगर वो चांसलर बन भी जाते तो यहाँ पे आके सर्व करने का, यहाँ का जो टाइम है, जो मकसद है, 10 साल आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर बॉन्ड होना है, देन यू हैव टू बी अ चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, कि आप इस यूनिवर्सिटी को अगर सर्व करेंगे, तो उसके पास तो टाइम ही नहीं था। इसमें ट्रेसा मेल जो है उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने आगे कंटिन्यू रखना है पॉलिटिक्स के साथ, जो ब्रिटानिया की प्राइम मिनिस्टर रही है। उसके बाद इमरान खान साहब, सॉरी बोरिस जॉनसन, जो के दस्तबरदार हुए इमरान खान साहब के हक में, और जो कंपेन था वो आई थिंक हमारा अचीव हो गया। यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ ये है कि खान साहब को यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल भी डिसक्वालीफाई नहीं किया है, ठीक है। कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस हैं, जैसे मैंने कहा कि कागजात नामजदगी ट्रेसा मेयर जो कि यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, उसके भी एक्सेप्ट नहीं हुए। तो नून लीग ये अपना बयानियाँ अपने तक रखें। बहुत शुक्रिया। वो बचाना चाहता सी जिन्हां नूं इंसाफ दवाना चाहता सी, अज ओ कौम, ओ आवाम, ओ लोग सिर्फ इस खबर दे मुंतजर चे कि कदों तेरे पुत दा पैगाम आंदा है, क्यों नहीं रहा। बाकी मां मेरी एक गल दी समझ अज आ गई है, बड़ा सोचदा सी मैं कि तेरे पुत नूं कुत्ते रखण दा जोश हो गया, वो अपने नाल कुत्ता क्यों रखदा है। अज मां मेरी मैनूं समझ आई है कि उहदे नाल उठण बहण वाले खाण पीण वाले गद्दार निकल आए ने। उहनूं पता सी इंसान च वफा नहीं, कुत्ते च वफा है। ये सबक भी दे गया भी माँ, सानू माफ ना करी माँ, ना असी माफी के हकदार हाँ। बाकी पुत बचा हों तो बचा ला।